हेलो स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस, मैं आपका महेश श्रीवास्तव फिर से इस बात को लेकर मैं चल रहा हूं कि अभी एनटीए एग्जाम लेने जा रहा है। सभी मैं मीडिया वालों से अपील कर रहा हूं, आज तक वालों से अपील कर रहा हूं, आर भारत वाले से अपील कर रहा हूं, जी न्यूज वाले से अपील कर रहा हूं, स्टार न्यूज वाले से अपील कर रहा हूं, जिनका नाम नहीं ले पाया उनसे भी अपील कर रहा हूं कि इस मुद्दे को आप लेके चलिए। लगभग आईआईटी और जेई मेंस और नीट के बच्चों को जोड़ने पे लगभग 26 लाख से ऊपर बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, 4 लाख बच्चे एनडीए के लिए अपीयर हो रहे हैं, 50,000 बच्चे लगभग कैट के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो इतने सारे बच्चे को आप जब मूव करा रहे हैं, उनके मम्मी पापा भी मूव कर रहे हैं। एक श्रद्धालुओं की बस आई थी नांदियार से, आप याद कीजिए महाराष्ट्र में, एक उसमें ड्राइवर इन्फेक्टेड था, तो 40 लोग बस में श्रद्धालु इन्फेक्टेड हो गए थे। आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि एयर ड्रॉप्स में ये वायरस है? आपको पता नहीं है जब आप जहां से मूव कर रहे हैं और आप इनहेल कर रहे हैं, ये वायरस आपको अफेक्ट कर सकता है। यहां पे लगभग 30 लाख बच्चे और इनके मम्मी पापा या उनके पेरेंट्स और गार्जियन, लगभग 1 करोड़ लोगों का मूवमेंट होगा। एक भी बस में अगर एक भी बच्चा इन्फेक्टेड होगा, एक भी लोग इन्फेक्टेड होंगे, तो सारे लोगों के इन्फेक्शन होने की संभावना है। 55,000 लोगों के आसपास डेथ हो रहा है। सभी मीडिया वालों से मेरी अपील है, आज तक वालों से रिक्वेस्ट है, स्टार न्यूज वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, आर भारत अर्णब गोस्वामी सर आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्रसून सर आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब इस बात की सच्चाई को, फोर्थ आपके पास फोर्थ पावर है ना, आप इस बात को सच्चाई से सामने रखिए। हमारे प्रीएम तक बात जाएगी तो ये जरूर कोई अच्छा सा स्टेप लिया जाएगा टू कॉम्बेट इट। कैसे कॉम्बेट करना है इसको देखना है। हम मास्क लगा के और पीपीई किट की बात करते हैं। 110 से ज्यादा डॉक्टर मर चुके हैं जो पीपीई किट लगा के इलाज कर रहे थे। ये सॉल्यूशन नहीं है। जो भी उचित सॉल्यूशन हो सर, आप लोग मास लेवल पे इस पे वर्कआउट कीजिए। स्टूडेंट्स के तरफ से, गार्जियंस की तरफ से मैं आप सबों से अपील कर रहा हूं।